और देखते ही देखते मेरा अंडमान में 7 महीना हो गया, मतलब मैं अकेला आया 7 महीना और बीवी को लेके 6 महीना हो गया मेरे को। मतलब आज सुबह ऐसे ही मैं ये कर रहा था, मतलब ऐसे ही नॉर्मली फोन स्क्रॉल कर रहा था, थोड़ा बहुत काम था, काम में भी गया था, तभी सोच रहा था, सोच सोच के मतलब कैसा लगा कि 7 महीना मेरे को देख के अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले भी रह चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अजीब इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि पीयू जो कभी भी अपना घर से, मेरा घर से बोलो उसका घर से कभी भी दूर नहीं रहा, वो लड़की भी 6 महीना मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे आके रुक रहा है। मतलब हैट्स ऑफ टू, मतलब जितना भी लड़की लोग हैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, मतलब अपना घर बार सब कुछ छोड़ के रहते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस करके रहते हैं, उनके लिए मैं पीयू को भी बोलता हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ इसीलिए, क्योंकि आप लोग भी मेरा फैमिली हो, मैं फैमिली मानता हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोगों के साथ भी ये सब बात मैं शेयर करता हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी कुछ दिन मेरा सुबह थोड़ा लेट से ही होगा, ये मेरे को पता है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि फ्लाइट उतरेगा नहीं, उतना काम नहीं रहेगा, तो मेरा सुबह भी थोड़ा थोड़ा सा लेट से ही होगा। तो बाहर उतना खास गर्मी तो नहीं है, थोड़ा प्लेजेंट वेदर है, मतलब अच्छा खासा वेदर है, दो दिन से मतलब कल और परसों जैसा वेदर था यहाँ का, सो उसी हिसाब से अभी का वेदर बहुत ही अच्छा है, मतलब आज का वेदर, फिलहाल कल का मैं बता नहीं सकता, लेकिन आज का वेदर बहुत ही प्लीजेंट है, थोड़ा बहुत गर्मी है, लेकिन वो चलो वो मान सकते हैं, क्योंकि समुंदर किनारे इतना अच्छा जगह में ऐसा वेदर हो सकता है, लेकिन बीच में दो दिन जो गर्मी था ना, उसके हिसाब से बाबा ये वाला वेदर बहुत, फिर से लग रहा है मेरे को ये वाला एक वो एंगल को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, लेकिन स्क्रू ड्राइवर मैंने कहाँ पर रखा है ये वाला ही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वो वाला ना कहाँ पर रखा है एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, पीयू एक्चुअली पीयू कल घर को ठीक किया था, अभी मतलब शाम को उसने कुछ काम नहीं था, ऑफिस से आया, फिर उसके बाद उसको संभाल के रखा, इसलिए संडे भी उसने ठीक किया था, तो उसके बाद उसने कहाँ रखा, अच्छा मिल गया, चलो यहाँ पे रखा, तो मिल गया ही, थैंक गॉड, मतलब ठीक करके रखता है, बहुत ही अच्छा है, संभाल के रखता है, लेकिन इतना अच्छा संभाल के रखता है कि बाद में मैं जब ढूंढने जाऊं तो मेरे को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे रखा है, अभी वो काम पे गया है, उसको बार बार कॉल करूंगा तो मेरे को रिटर्न में ना एक टाइम पे गाली दे देगा, बोलेगा छोटा मोटा चीज़ है भाई ढूंढ लो, और ये बात भी सही है कि छोटा मोटा चीज़ के लिए उसको क्या कॉल करना। बेसिकली ये वाला ट्राईपॉड से मैंने फ़ोन को खोल लिया है, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, ये वाला जो नट है ना, मतलब ये वाला जो स्क्रू का जगह है, ये वाला लूज़ हो जाता है, इसको थोड़ा टाइट कर देने से ये वाला फिर अटैच हो जाता है, और ये वाला माइक का पोर्ट जो मेरे को पहले से जानते हो उसको तो पता ही है, ये वाला मैंने टूट गया था करके रबर लगा दिया था, तो रबर का लगता है मेरे को डेट फेल हो गया है, अभी इसको नया वाला रबर इसमें डालना पड़ेगा, तभी जाके ये वाला भी टाइट रहेगा, और इसको अभी मैं टाइट कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, फुल्ली एकदम टाइट बन गया, और पहले जैसा डग 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 हो रहा था वो वाला चीज़ नहीं है, चलो इसको मैं पहले की जगह में रख देता हूँ, नहीं तो आके बहुत गाली पड़ने वाला है मेरे को, क्योंकि वो ठीक करके रखता है, अभी जो ठीक करके रखता है मैं तो ठीक नहीं कर पाऊँगा, तो जो ठीक करके रखता है उसको ठीक करके रखना ही अच्छा है, मतलब घर को अगर सजा के वो रखता है तो उसको सजा के ही रखना अच्छा होता है। अभी फ़िलहाल ये वाला कपड़ा ऐसा है क्योंकि मैं ठीक करके रखूँगा, फिर वो आके उसको ठीक करेगा, क्योंकि मैं एकदम से ठीक नहीं कर पाता हूँ, सो एकदम से उसको ठीक करके रखने से उसको ही आना पड़ेगा, नहीं तो मैं ठीक करके नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मैं ठीक नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए ठीक करने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन कोशिश करता हूँ ठीक करने की थोड़ा बहुत। जैसे कि आज काम नहीं है तो शाम को मैं निकलने वाला हूँ, तो उसी हिसाब से मैं फ़ोन को चार्ज कर दे रहा हूँ। अभी आप लोग बोलोगे कि फ़ोन को क्यों चार्ज करो, इतना दिन से तो आपने व्लॉग नहीं बनाया, हाँ सच्ची में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन ये आईफोन है बाबा, दूसरा कुछ नहीं है, आईफोन 6S सीरीज़ का बैटरी बहुत जल्दी गिर जाता है, सो इसलिए मेरे को ये बैटरी चार्ज अभी करना पड़ेगा फटाफट के लिए, क्योंकि अभी अगर चार्ज कर लूँगा तो शाम को जब जाऊँगा मैं अच्छा वाला वीडियो कैप्चर कर पाऊँगा। और आईफोन का एक चीज़ सभी को ध्यान में रखना है, ये जो ऑफ लाइट में मतलब अंधेरा में तुम अगर वीडियो बनाओगे उतना खास होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा वाला लाइट पे, ऐसा सुबह वाला लाइट पे, दिन का लाइट पे, सनलाइट पे वीडियो बनाओ
फिर ऐसा वाला लाइट है उसमें अगर आप वीडियो बनाओगे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन शाम में लो लाइट में आईफोन का कैमरा थोड़ा सा उसका क्वालिटी गिर जाता है। लेकिन फिलहाल आईफोन 6s एक 29,000 का फ़ोन में वो टाइम में 4K वीडियो देता था। मैंने देखा नहीं, ये बात अलग है, लेकिन देता तो था। अभी का दिन में बहुत अपग्रेड करके एंड्रॉयड फ़ोन दे रहा है, लेकिन वो टाइम में आईफोन ही सिर्फ देता था 4K में। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ गांधी पार्क में। मैं नज़ीर भाई को कॉल किया था जब ही मैं निकला, प्यू को छोड़ा, उसके बाद नज़ीर भाई को कॉल किया कि चलो आज जाते हैं घूमने के लिए। तो नज़ीर भाई भी आ गया ऑन टाइम, वो भी आ गया, मैं भी यहाँ फटाफट आ गया। बोला चलो भाई जाते हैं, एंटर होते हैं अभी गांधी पार्क में। सो इससे पहले मैं आया था प्यू के साथ, रात शाम को आया था, लेकिन अभी सुबह को मैंने नहीं आया था एक बार भी, मतलब ऐसे लाइट में सनलाइट पे नहीं आया था। शाम को आया था, लेकिन शाम को उतना खास नहीं लगा मेरे को, तो इसलिए मैं और एक बार आया। मैं बोला चलो नज़ीर भाई के साथ एक बार, यहाँ का वो भी है यहाँ का, तो मैं बोला उसके साथ एक बार घूम के देखते कि क्या। बेसिकली फिर से बोल रहा हूँ, शाम को आया था मैं पीयू के साथ, लेकिन उतना खास मेरे को शाम को नहीं लगा, मतलब रात के टाइम खास नहीं लगा। लेकिन अभी आके जैसा मेरे को व्यू मिल रहा है यहाँ पे, नेचुरल व्यू जैसा है, वैसा वाला व्यू मेरे को उस दिन नहीं लगा था, क्योंकि अंधेरा हो गया था, उतना खास लाइट वगैरह तो यहाँ पे नहीं है, सो इसीलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को भी, अगर आते हो यहाँ पे गांधी पार्क में, पोर्ट ब्लेयर में घूमने के लिए आते हो, गांधी पार्क आना चाहते हो, तो ये वाला टाइम सही रहेगा ना नज़ीर भाई? Yes, ये वाला टाइम सही रहेगा, टाइमिंग है ये वाला टाइम आने से एकदम सही टाइम रहेगा कि पूरा व्यू देख पाओगे। और ऐसा वाला व्यू ठीक है, तालाब ऐसा है, लेकिन चलो एटलीस्ट व्यू तो मिलेगा, ऐसा नेचुरल वाला व्यू। और इतना बड़ा एरिया है, छोटा नहीं है गांधी पार्क, बहुत ही बड़ा एरिया। कितना एरिया होगा फिर भी? मेरे ख्याल से ना 3 से 4 एकड़ ऊपर, 3 से 4 एकड़ के ऊपर। हम लोग का मेन लाइन पे भाई छोटा छोटा होता है, एक दो मतलब एक के अंदर ख़त्म हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, एकड़ के एकड़ का छोटा क्या होता है, 1000 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर तो हम लोग का वैसा स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है यहाँ पे। तो सच्ची में मैं चल के देख रहा हूँ, एरिया बहुत बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। एटलीस्ट मैं और एक बार भी बोल रहा हूँ कि ये टाइम पे आने में, सच्ची में अगर इवनिंग टाइम में आओगे ना, तो पूरा जगह व्यू को देख सकते हो। मैं अभी इस पार हूँ, मैं फ़िलहाल जाऊँगा उस पार में, तो ये पूरा जो एरिया है ना, जैसे नज़ीर भाई ने बोला 3-4 एकड़ का है, मतलब सोच लो कि कितना बड़ा। और मॉर्निंग वॉक के लिए आना चाहते हो तो और भी अच्छा है, इवनिंग वॉक के लिए और भी अच्छा है, मतलब डेली एक राउंड लगाने से बहुत है, बहुत है। मैं तो थोड़ा सा चला फिर हाफ गया, क्योंकि इतना चलता नहीं हूँ मैं वहाँ पे रहने के टाइम, लेकिन यहाँ पे तो चलो आज सोचा कि एक बार आया जाए इवनिंग के टाइम, आके देखा जाए, क्योंकि मेरा करीबन 5 बजे से मेरा काम है थोड़ा बहुत छोटा मोटा, तो उससे पहले मैं एक बार काम ख़त्म कर लेता हूँ। करीबन 5 मिनट हो गया, 5 से 5.5 मिनट हो गया हम लोग चल रहे हैं, अभी तक इसका एक पॉइंट तक नहीं पहुंचा, सिर्फ आधा राउंड हुआ है। आधा राउंड हो गया है लेकिन अभी तक इसका एक पॉइंट में नहीं पहुंचा। अभी दूर में दिखाई दे रहा है वो सफ़ेद वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो पॉइंट पर हम लोग को जाना है, फिर पूरा कवर्ड होगा। सो एक पॉइंट में ही ऐसा हालत,
तो पूरा पॉइंट करने में कैसा हालत होगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह नहीं तो इवनिंग में जब भी टाइम मिलेगा यहाँ पे दो चक्कर मैं लगाऊंगा। सो ये एटलीस्ट मेरा बॉडी के लिए भी अच्छा होगा, थोड़ा कॉन्टेंट भी मिल जाएगा। हम लोग का कोलकाता में ऐसा वाला व्यू नहीं मिलता है, कोलकाता से थोड़ा बाहर जाने पर हम लोगों को ये व्यू मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मतलब एकदम नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला व्यू मिल रहा है। वही ये जो लोटस का यहाँ पे जो है ना पूरा एकदम भर के, पूरा एकदम कोमल पूरा भर के है यहाँ पे। जब भी देखो जहाँ पे देखो ये वाला लेक में पहले बोटिंग होता था ना यहाँ पे, बोटिंग था पहले। हाँ पहले ये जगह में देख के लगता है कि पहले यहाँ पे बोटिंग होता था, और मेरा अंदाजा एकदम सही है, बोटिंग होता था पहले। मैं फोन पहले रिसीव कर लेता हूँ। वाला बोट दिखाई दे रहा है, ये वाला बोट पहले चलता था पैडल बोट, लेकिन अभी फिलहाल नहीं चलता है क्योंकि यहाँ का कुछ सिक्योरिटी रीज़न है, पूरा अंधेरा हो जाता है, फिर यहाँ का मेंटेनेंस के लिए सिक्योरिटी के लिए सो यहाँ पे बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले चलता था। सो हम लोग एटलीस्ट एक पॉइंट तक आ गए हैं, फिलहाल आधा आधा क्या पूरा कंप्लीट होने वाला है, और थोड़ा वो पॉइंट तक चले जाएंगे वो तरफ, अभी ये तरफ से वो तरफ चले जाएंगे तो हम लोगों का पॉइंट कवर हो जाएगा। फिर वहाँ से दो चीज़ें हैं, जैसे गांधी पार्क, तो इसका नाम माना है गांधी स्टैचू है अंदर, वहाँ पे भी जाएंगे, और जैपनीज मंदिर भी है वो वाला भी जाएंगे। फाइनली वॉक करते करते करीबन 15 मिनट से 20 मिनट लगा, करीबन 20 मिनट हो गया ऑलमोस्ट इस पार आने के लिए, मतलब एक चक्कर मारने के लिए 20 मिनट लगता है। मेरे लिए ज़्यादा लगा, डेली अगर आऊँगा तो वो 10 मिनट भी हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा चलता नहीं था, आप लोगों को भी पता है ज़्यादा मैं बाइक में चलता हूँ, नहीं तो गाड़ी ये वगैरह मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी यहाँ पे चला क्योंकि मेरे को फिटनेस का ज़रूरी है, और यहाँ पे चल के ही देखना है ऐसा नेचुरल व्यू, सो इसलिए मैं चल के आया आप लोगों के लिए। सो इसके लिए एटलीस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब। पांच साल पहले इसमें कर सकता था। अच्छा ये वाला ये सब जगह में नहीं है, मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता है शायद से। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जैपनीज टेंपल पे, ये वाला है जैपनीज टेंपल। सो एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ मूर्ति वगैरह होता है कि नहीं होता ये तो मैं अभी जानता नहीं हूँ जैपनीज टेंपल कैसा दिखता है, लेकिन इस जगह को बोला जाता है जैपनीज टेंपल के लिए। सो मैं एक बार ऑनलाइन में भी चेक करूँगा कि जैपनीज टेंपल कैसे किस चीज़ को बोला जाता है, यहाँ पे कैसा था। ऑनलाइन में कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन रहेगा, सो वाला मैं घर जाने के बाद आप लोगों से शेयर करता हूँ। फिलहाल इस जगह को बोला जाता है जैपनीज टेंपल। फाइनली हम लोगों ने पूरा पार्क घूम लिया है, लास्ट में गांधी जी का वीडियो भी हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन मेरा लास्ट एक ही सजेशन है कि यहाँ आओ ये एक्सपेक्ट करके मत आओ कि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ एंट्री गेट में बोर्ड लगा हुआ है बड़ा करके, लेकिन खास कुछ नहीं है। अगर कोई फैमिली मैन है बच्चा है तो उनके लिए बहुत कुछ है खेलने कूदने का जगह। मतलब कुल्फी देख के बेसिकली बचपन का याद आता है, बचपन में जब छोटा था स्कूल में जब पढ़ता था वो टाइम में हम लोग स्कूल के बाहर मिलता था, तो अभी इतना बड़ा हो के अभी सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन वो ना वो एंजॉयमेंट नहीं है जो स्कूल में जो एंजॉयमेंट हम लोग करते थे, वो वाला एंजॉयमेंट खास करके यहाँ पे नहीं है। क्या बोलते हो नज़ीर भाई?
स्कूल का टाइम में जो एंजॉयमेंट था वो एंजॉयमेंट, ये कुल्फी हम लोग का स्कूल में भी मिलता था, लेकिन वो एंजॉयमेंट अभी नहीं है। नहीं, सही।